अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, वो है एक्सरसाइज 4.3 और दिस इज़ फॉर क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अननोन एंगल फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है पैरेलल लाइंस की। सो जहाँ जहाँ वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। सबसे पहले आपने वाई फाइंड करना है, तो वाई जो है एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये क्यों है? क्योंकि ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। जब दो पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी है ये कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये तीसरा एंगल जो है ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको के इन सबको एंगल्स को कहेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हम इस एंगल को जेड सपोज कर लेते हैं, इसको भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें एक ट्राइंगल बन गई है, इसके अंदर वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो जेड और 118 डिग्री, ये दोनों एंगल होना स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इसके साथ रीजन भी लिखनी है, एंगल होना स्ट्रेट लाइन। और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 118 को माइनस करेंगे तो आपके पास जेड आ जाएगा 64, आता है हमेशा 62, ठीक है? सो जेड आपके पास 62 डिग्री आ गया है। तो अब क्या है कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें है 48 प्लस 62 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 होता है। तो आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो थ्री डॉट्स लगा के साथ लिखनी है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 48 माइनस 62, तो आपके पास वाई का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 48 माइनस 62, 70 डिग्री, ठीक है? अब आपके पास एक्स और वाई दोनों जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इनका सम भी होगा 180 डिग्री के इक्वल। इसकी भी आपने लिखना है कि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, तो एक्स आ जाएगा 180 माइनस वाई, वाई हमारा 70 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 110 आ जाएगी। सो एक्स हमारा क्या आ गया है? 110 डिग्री, और वाई हमारे पास आ गया है 70 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक ट्रायंगल है और इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स भी इक्वल होती हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है? और ये अगर 40 डिग्री का एंगल है तो ये भी 40 डिग्री का एंगल होगा। ये इसलिए क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए साथ हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल,
180 माइनस 40 140 70 डिग्री, हमारा आंसर आ गया वाई का। नेक्स्ट, ये जो हमारा एंगल है एक्स जो है वो होगा 40 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए हैं, एक्स का 40 आ गया है और वाई का हमारे पास 70 डिग्री आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये एंगल 64 है, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास अगर मैं इसको वाई कह लूँ तो वाई और 118, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है, और उसके साथ लिख भी लेंगे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सिक्सटी टू डिग्री हो गया इसका आंसर। और अब हमने ये वाला फाइंड करना है। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है, ये पे ट्राइंगल बन गई है, 64 प्लस 62, ये 62 हो गया ना, और प्लस जेड हमारे पास 180 डिग्री होगा। ये होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 64 माइनस 62 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस 64 माइनस 62, ये आ रहा है 54। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, 54। अब क्या होगा, 54 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 118 में से 54 को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास एक्स आ जाएगा, 180 माइनस 54, 126। तो हमने एक्स ही फाइंड करना था, एक्स हमारे पास आ गया 126 डिग्री। उसके फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। ये अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा। तो हम पहले वाई फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल या जगह 2y 180 माइनस 90 45 डिग्री। सो y हमारे पास आ गया 45 डिग्री। सो ये 45 डिग्री है, तो इतना क्या होगा, 45 प्लस x। तो अब हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल आ जाती है ऐसे, जिसमें ये एंगल है 28 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये है 45 प्लस एक्स। तो इन सब का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से सारे एंगल्स को हम माइनस कर देंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा 17 डिग्री।
उसके साथ भी आपने रीजन लिख लेनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें भी अगेन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड सेम है, तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा, अगर ये 27 है तो ये भी 27 होगा, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 54। तो अब तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यही प्रॉपर्टी हम बार बार यूज कर रहे हैं तकरीबन। वन एटी में से आपने 54 को माइनस कर दिया, 126 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 126 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 63। अगले पार्ट पर आ जाते हैं। ये पार्ट सबसे आसान है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एक्स वाली वैल्यूज इधर रहेंगी और 180 में से 60 माइनस और 30 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा 90। 690 डिवाइडेड बाय 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एंड दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू स्क्वेयर। तो स्क्वेयर में हर कॉर्नर पे एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होगा, इतना 45 है ना, तो बाकी सारा 90 होगा। हर कॉर्नर पे एंगल 90 है और हर जो डायगनल का है हाफ है वो, ये भी एक्स होगा क्योंकि ये साइड सेम है। एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो अब आ जाएगा 2x, 180 माइनस 90, 2x 40, 90 90 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है। अब इस ट्रायंगल में इन तीनों का सम जो है 72 प्लस 45 प्लस वाई, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में से 72 को माइनस करेंगे, 45 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास वाई आ जाएगा 180 माइनस 72 माइनस 45, 63 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 45 डिग्री और वाई की वैल्यू आई है हमारे पास 63 डिग्री। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमने कैसे करना है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जेड है हमारा, तो एंगल होना स्ट्रेट लाइन है, जेड की वैल्यू क्या आ जाती है, वन एटी माइनस 122, 58।
ये हमारे पास एंगल आ रहा है 58, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन भी लिख लें, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन अब हमारे पास इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, एक्स, 90 और 58। इन तीनों का सम है 180 डिग्री। रीजन फिर तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90 माइनस 58, 32 डिग्री। अब नेक्स्ट ये डायगनल है, अगर डायगनल होने की वजह से ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। डायगनल उस एंगल को हाफ कर देता है ना, 45, और ये हमारे पास आ गया 32 डिग्री। अब हमने वाई फाइंड करना है, तो हो जाएगा 32 प्लस 45 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 माइनस 32। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 45 माइनस 32, 103। सो एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 32 डिग्री और वाई का आंसर आ गया 103 डिग्री। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ये 90 डिग्री है डायगनल है, ये 45 है, तो ये दोनों साइडें सेम है। तो एक्स प्लस 45 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये भी 45 ही आएगा, वैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 60 है, ये 90 है, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं पहले। 90 प्लस 60 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जेड हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 60, तो जेड हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, तो टोटल हमारा 90 होता है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, 60 प्लस 90 प्लस x, ये इस वाली ट्राइंगल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब x में के लिए माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या आ गया है, 30 डिग्री। और रीजन हम दोनों में सेम ही लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, क्योंकि ये डायगनल से बना है। तो ये एंगल हमारा सेम होगा वाई, और ये भी एंगल होगा वाई। तो वाई प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आ जाएगा 2 वाई प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 वाई 180 डिग्री
-45 डिग्री, तो आ जाएगा 2 y 180 में से 45 को माइनस करें 137, 35 सॉरी। अब y को 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 67.5 ये आ गया हमारे पास। अब x प्लस वाई, ये एंगल होना स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 के इक्वल होगा। माइनस करें तो ये आ रहा है 112.5 डिग्री, एक्स का आंसर आ गया। रीजन हमने नहीं लिखी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, टोटल होता है 90, और ये हम फाइंड कर लें अगर जेड, अगर ये 22 है तो ये भी 22 ही होगा। जेड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 22 प्लस जेड इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 - 22 68। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये 68 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 68 डिग्री। अब क्या होगा, 68 + 68 + x = 180 डिग्री, ये हो जाएगा 3 sum of angles of triangle। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 68 - 68, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 68 - 68, 44। तो हमारे पास y आ गया 22 और x आ गया है 44, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंगल हमेशा 90 के इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास, पहले तो इसको फाइंड कर लेते हैं ना, z + 35 + 90 डिग्री = 180 डिग्री इस वाली ट्रायंगल में। तो जेड क्या आ जाएगा, 180 डिग्री - 90 डिग्री - 35, ठीक है, ये एंगल आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो y + 55 = 90 डिग्री होता है, तो y हो जाएगा 90 - 55, तो ये क्या आ जाएगा, -90 - 35। इसके रीजन लिख लें, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें लिख लें इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और x = 35 डिग्री हो जाएगा बिकॉज इट इज ऑल्टरनेटिंग एंगल।
ये ऐसे होता है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई एक लाइन उन्हें कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग एंगल। तो प्रीवियस वाले में भी हमें यहाँ भी लिखना चाहिए था। इसकी रीज़न, इंटीरियर एंगल क्योंकि इंटीरियर एंगल सारे 90 होते हैं ना रिक्टेंगल के, इसलिए ऑफ रिक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो 124 इक्वल्स टू एक्स प्लस 54, ये हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल ग्राफ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 124 माइनस 54। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 124 माइनस 54, 70 डिग्री। और इसी तरह वाई जो है वो इक्वल होगा 26 के, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग एंगल है। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, एक्स आ गया 70 डिग्री और वाई आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी ये 46 हो जाएगा ना ऑल्टरनेटिंग एंगल, 46 ऑल्टरनेटिंग एंगल। नेक्स्ट हमारा, अगर ये ऑल्टरनेटिंग एंगल है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा और ये बीच वाला एंगल 90 होगा। और रोम्बस में जब डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 46 प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। तो वाई आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। वन एटी माइनस 90 माइनस 46, 44 डिग्री। तो एक्स हमारे पास आ गया है 46 डिग्री, वाई हमारे पास आ गया है 44 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो वाई प्लस वाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा 140 डिग्री। रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस इक्वल होते हैं। हाँ यही एंगल आ गया ना हमारे पास 45 नहीं 70 डिग्री। अब हमने वाई फाइंड करना है, अगर ये 70 डिग्री है तो ये हमारा 90 है। तो अब हमारा आ जाएगा एक्स प्लस 70 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ
एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एक्स आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 70, तो ये आपका 20 डिग्री आ जाएगा। सो एक्स हमारा हो गया है 20 डिग्री और वाई हमारा हो गया है 70 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें सेम है, इसमें वाई जो है वो 32 के इक्वल आ जाएगा और एक्स जो है वो 57 के इक्वल आ जाएगा, और दोनों की रीज़न सेम होगी, ये ऑपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 181, नहीं सॉरी 60 डिग्री ओनली। सिक्सटी डिग्री 2 वाई, इसी तरह एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इसकी रीजन भी यही लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ काइट। इसमें भी यही लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ काइट। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें ये वाला जो एंगल है ये 24 के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग एंगल है, अब ट्रायंगल में आ जाए, एक हो जाएगा 28, एक हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 28 माइनस 24, तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 28 माइनस 24। वन ट्वेंटी एट डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स हमारा आ गया है 24 और वाई हमारा आ गया है 128 डिग्री। तो यही पे हम एक्सरसाइज को ख़त्म कर लें। कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज तो नहीं यूज़ हुई, जो भी यूज़ हुई है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। सो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेसन में हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे।